कभी सोती हुई लड़की एक बूढ़ी दादी माँ बन जाती है, तो कभी एक कुत्ते की तस्वीर में एक रहस्य छुपा होता है। आज की वीडियो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में आप कहोगे, अरे ये क्या था भाई यार, ये क्या था यार, कौन सा सर्कल बड़ा है। इस इमेज में आप दो सर्कल्स को देख रहे होगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मुझसे आपका सवाल ये है कि इन दोनों सर्कल्स में से कौन सा सर्कल ज्यादा बड़ा है? क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है या सेम है? आपको आंसर देना है 5 सेकंड में, तुरंत। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बड़ा है, राइट? रॉन्ग। असल में इन दोनों सर्कल्स का साइज सेम है, पर इसके आजू बाजू के जो फिगर्स बने हुए हैं उसके चलते आपका दिमाग इसके सही साइज को भाप नहीं पाता। लेफ्ट वाले इमेज में ये बगल वाले फिगर्स बड़े हैं, इसलिए ये सर्कल छोटा लगता है, और राइट वाले में बगल वाले फिगर्स छोटे हैं, इसलिए ये सर्कल बड़ा लगता है। पर असल में ये दोनों सर्कल्स सेम साइज के हैं। क्वाइट अमेजिंग, इजंट इट? ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर, ये कैसा इमेज है? नेगेटिव इमेज, राइट? इस लड़की का कलर्ड इमेज आज तक आपने नहीं देखा, राइट? पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि इस लड़की की ऐसी इमेज देखने के बाद आपका दिमाग को कलर कर देगा? एग्जैक्टली। बिलीव नहीं हो रहा है तो ये करो, आप इस इमेज को 25 सेकंड तक देखो। इसके नाक पर एक डॉट है यहाँ पर, इसे देखना है आपको, और उसके बाद जब मैं कहूंगा तब इसके साइड में मौजूद वाइट स्पेस में किसी एक जगह पर देखना बिना पलक झपकाए। मतलब जब लड़की के नाक पर देख रहे हो तब थोड़ी मोड़ी पलक झपका सकते हो, क्योंकि 25 सेकंड तक बिना पलक झपकाए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 25 सेकंड बाद जब वाइट स्पेस को देखोगे तब पलक मत झपकाना, और इस वाइट स्पेस में कहीं पर भी एक जगह पर देखना, तब आपको इसी एरिया में उसका एक कलर्ड इमेज दिखेगा। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। चलो अब झट से उस साइड वाले व्हाइट जगह को देखो। व्हाइट एरिया में कहीं भी किसी भी एक जगह पर नजरें गड़ाए रखो और पलक मत झपकाना। 1, 2, 3, 4, 5। लड़की दिखी ना, और वो भी कलर्ड, राइट? दिमाग ब्लैक एंड व्हाइट को भी कलर में बदल सकता है। वाव। बूढ़ी औरत कंबल ओढ़े हुए या जवान लड़की, इस पेंटिंग में आपको क्या दिख रहा है? देखो, बूढ़ी औरत का नाक यहाँ है, यहाँ पर आँख है, यहाँ उसका ओठ है, यहाँ उसका जॉ है, और ये बैठी हुई है कंबल ओढ़ के, राइट? अब इस इमेज को ध्यान से देखो और दिमाग लगाओ। 10 सेकंड तक आपको एक जवान लड़की दिखेगी। देखी? नहीं देखी। चलो मैं दिखाता हूँ। लड़की का कान यहाँ है और उसका चेहरा उस तरफ मुड़ा हुआ है। बूढ़ी औरत का आँख, लड़की का कान है, और लड़की का नाक यहाँ है, ये छोटा सा, और यहाँ इसका गाल है, और यहाँ बाल है, और ये उस तरफ मुड़कर सोई हुई है। एक ही इमेज में बूढ़ी औरत और एक सोती हुई जवान लड़की। गजब है ना? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके आप इसे ध्यान से देख सकते हो, आपको दोनों दिख जाएगा, बूढ़ी औरत और जवान लड़की। रोटेशनल इल्यूजन। इस इमेज को देखो, एक्चुअली इसके बीच के काले वाले डॉट को देखो, आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, अब एक काम करो, बीच वाले डॉट को देखते हुए ही अपने मोबाइल को आगे पीछे करो, आगे पीछे करो। हाँ, अब आ रहा है ना मजा? ऐसा लगता है कि मशीन के अंदर के पार्ट्स घूम रहे हो, है ना? सबसे मस्त इल्यूजन। इस इमेज को देखो, अजीब सा कलर है इस इमेज का, है ना? ओके, अब इसके बीच में जो काला डॉट है यहाँ पर, उसे देखते रहो, ठीक है? देखो, और हाँ, नजर मत हटाना, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक हटाना बिल्कुल भी मत। आप उसी डॉट को देखते रहना, चाहे इमेज में कुछ भी बदले, आप उसी डॉट को देखते रहना। ओके, रेडी? अभी भी काले वाले डॉट को देखते रहो, पर काले डॉट को देखते हुए ही आपको हरे हरे पेड़ दिख रहे होंगे, नॉर्मल कलर का बिल्डिंग दिख रहा होगा। लोल, जरा वापस आके देखो, जरा नॉर्मल होके इस इमेज को देखो। ये असल में ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, पर जब आपका फोकस ब्लैक डॉट पर था तब तो आपको वो कलर्ड दिख रहा था, है ना? गजब है, राइट? पोंजो इल्यूजन। इस इमेज को देखो और झट से बताओ, ये लाइन और ये लाइन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला बड़ा है, ऊपर वाला। नहीं
ना ये वाला बड़ा है ना ये वाला बड़ा है, दोनों एक्चुअली सेम लेंथ का है। विश्वास नहीं होता तो स्केल से माप कर देख लो, ये जस्ट एक इल्यूजन है, आंखों का धोखा। अक्सर हमारा दिमाग चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाता और आपको रॉन्ग आउटपुट दे देता है, गायब होने वाला इल्यूजन। इस फोटो को देखो, इस प्लस मार्क के चारों तरफ गुलाबी कलर के डॉट्स भरे हुए हैं, पर आप देखो जादू। इस इमेज के बीच में एक प्लस मार्क है, उस प्लस मार्क को देखो और देखते रहो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, टेन। अभी भी देखते रहना। आपको सिर्फ एक ही बॉल दिख रहा होगा जो चारों तरफ घूम रहा है। अब वापस नॉर्मल हो जाओ। अब आपको पहले जैसे पिंक डॉट्स देखने को मिल रहे होंगे। जब आप उस पर फोकस करते हो तब सारे डॉट्स गायब हो जाते हैं और सिर्फ एक ही डॉट घूमता है। ये भी आपके दिमाग का एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। क्वाइट इंटरेस्टिंग इजंट इट। पेरिस ट्रेक। इस पिक को देखो, इस इमेज में एक ट्रायंगल है, ओके? इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, सिंपल सा कुछ लिखा हुआ है। पढ़ के बताओ कि क्या लिखा हुआ है और बताओ कि इस सेंटेंस में लफड़ा क्या है। आपको मिलेंगे 6 सेकंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? पेरिस इन द स्प्रिंग। इसमें क्या अजीब बात है फैक्टिक, पेरिस इन द स्प्रिंग ही तो लिखा हुआ है। पेरिस इन द स्प्रिंग क्या हो अगर मैं बोलूं कि आप गलत पढ़ रहे हो? इसमें लिखा हुआ है पेरिस इन द स्प्रिंग। ओह माय गॉश, दो बार द था, क्या आपने इसे नोटिस किया? नहीं किया होगा, और किया भी होगा तो वो आप लोगों में से सिर्फ 2-3% ही लोग होंगे। असल में दिमाग कई इन्फॉर्मेशन को नेगलेक्ट कर देता है। फेडिंग इमेज। इस इमेज के बीच में आप देखो, जो जगह आपको लगता है कि इस इमेज का सेंटर है उसे देखो और बिना पलक झपकाए देखते रहो। मतलब आपके हिसाब से जो लगता है इसका सेंटर है वहीं देखते रहो, बीच में, इस इमेज के बीच में देखते रहो, बिना पलक झपकाए देखते रहो, बिना पलक झपकाए देखते रहो, बिना पलक झपकाए देखते रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी भी देखते रहना, फोकस बनाए रखना। कलर्स गायब हो गए है ना, पूरा व्हाइट हो चुका है। वापस आ जाओ, कलर्स तो हैं, फिर से आप चाहो तो आप बीच में फोकस करके देख सकते हो। बीच में देखने से सारे कलर्स गायब। इसलिए कहता हूँ कि लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें हैं उसी पर ध्यान दो, नेगेटिव चीजें अपने आप ही गायब हो जाएगी, बड़ा या छोटा। इस धुंधले इमेज में आपको क्या दिख रहा है? दो मॉन्स्टर्स दिख रहा है, राइट? चलो अब ये बताओ कि कौन सा मॉन्स्टर ज्यादा बड़ा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? जल्दी 3 सेकंड्स में बताओ। 1, 2, 3। 3 सेकंड्स खत्म। ऊपर वाला बड़ा है ना? नहीं, गलत आंसर। असल में दोनों सेम साइज के हैं। विश्वास नहीं होता तो स्क्रीन पर एक स्केल से माप कर देख लो। गजब की इल्यूजन है, फैंटास्टिक बेबी। झूठी स्पाइरल। पहले बता दूं कि स्पाइरल इस शेप को कहते हैं, शायद आपको पता होगा, एक ऐसा फिगर जो एक पॉइंट से शुरू होता है और गोल 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 घूमते हुए बाहर आता है, स्पाइरल, ठीक है? तो अब इस फोटो को देखो और बताओ कि क्या है ये, स्पाइरल है या नहीं, और आपको यस और नो में उत्तर देना है, ये स्पाइरल है या नहीं। 1, 2, 3, 4। समय समाप्त। अगर आपने यस को लॉक किया है तो आपका आंसर सही है, नॉर्मल, एवरीथिंग गुड। काश अभी जो बोला वो सही होता। आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है नो, क्योंकि ये एक स्पाइरल नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये एक नॉर्मल कंप्लीट सा सर्कल का ग्रुप है, और ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल का मिश्रण है। मतलब इस इमेज के बैकग्राउंड को हटा दे तो ये कुछ ऐसा होगा, ये जो देख रहे हो सर्कल के अंदर सर्कल, ये सिंपली यही है, पर इस इमेज में आपको ये स्पाइरल के रूप में दिख रहा है ना? गजब। हेयरिंग इल्यूजन। इस फोटो को आप देखो, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दो। सवाल ये है कि ये दोनों रेड लाइन किस शेप का है? दो ऑप्शन है आपके पास, टेढ़ा या सीधा। 5 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। आप लोगों में से 99% लोग बोले होंगे टेढ़ा, पर जैसा कि आज हम लोग अमेजिंग चीजों को देख रहे हैं, ये दोनों लाइंस असल में सीधा है और एक दूसरे के समानांतर है, यानी पैरेलल है। आपके मुंह से अभी निकल रहा होगा, अरे तेरी,
ये कैसे संभव है यार? ये जो बैकग्राउंड में जो लाइन है ना, ये आपके दिमाग को बुद्धू बना रहा है, उसी के चलते आपको ये टेढ़ा दिख रहा है। आपको विश्वास नहीं होता तो एक स्केल उठाओ और स्क्रीन पर उसके साथ मिलाकर देखो, आप शॉक्ड हो जाओगे। जोलनर इल्यूजन। इस फोटो में बहुत सारे डायगोनल्स है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, करते करते बहुत सारे लाइन्स है और उन लाइन्स के ऊपर छोटे 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 लाइन्स है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये बड़े लाइन्स सीधे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं? 5 सेकंड्स, 1, 2, 3, 4, 5। देखो, दिखने में तो ये दिखता है टेढ़ा मेढ़ा, पर अगर मैं उन छोटे छोटे लाइन्स को हटा दूं, तब ये देखो ये कैसा दिखता है। आप सोच रहे होंगे, वो कौन है ये ट्रिक्स और कहां से आते हैं? अ सीक्रेट पर्सन। आप इस पिक को ध्यान से देखो, कुछ अजीब नहीं है, पर अब मैं आपको दुनिया की सबसे अमेजिंग चीज का अनुभव कराऊंगा। इस इमेज का ये सेंटर जो कि ये काला वाला पार्ट है, इसे देखते रहो 45 सेकंड्स तक। उसके बाद इस साइड वाले एरिया में देखना, जैसे पिछली बार देखे थे ना बिना पलक झपकाए, बिल्कुल उसी तरह देखना। मतलब जब आपको मैं साइड वाले व्हाइट पोर्शन को देखने कहूंगा, तब बिना पलक झपकाए आप देखना, तभी वो इंसान आपको इस व्हाइट एरिया में दिखेगा। और व्हाइट एरिया में आपको एक जगह कहीं देखना है बीच में, तभी वो फॉर्म होगा। 1, 2, 3। अब जल्दी से साइड वाले एरिया में कहीं पर भी किसी एक जगह पर अपनी नजरें गड़ाए रखो और बोलो क्या दिख रहा है आपको। वो कौन है? वो ये है द सीक्रेट पर्सन, जादुई ग्रिड। इस इमेज को देखो और इन बीच वाले व्हाइट व्हाइट जगह पर, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जितने व्हाइट जगह हैं, क्या इसमें ब्लैक डॉट्स भरे हुए हैं? जवाब दो 4 सेकंड्स में। 1, 2, 3, 4। आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है भाई, जब आप उस व्हाइट वाले एरिया को देख रहे हो तब वहाँ ब्लैक डॉट है ही नहीं। बाकी वाले में ब्लैक डॉट तब होता है, बस उसी में नहीं होता जिसमें आप देखते हो। गजब की चीज है ना। असल में कहीं पर भी ब्लैक डॉट भरा हुआ नहीं है। इस पिक्चर के ब्लैक कलर के चलते आपका दिमाग व्हाइट एरिया को ब्लैक कलर से भर देता है और इल्यूजन क्रिएट कर देता है। घूमता पहिया। OMG, इन सारे पहियों को तो एक बार देखो, ये तो घूम रहे हैं ना। नहीं भाई, ये असल में एक स्टिल इमेज है, ये सिर्फ एक फोटो है, एक जमी हुई फोटो, पर आपका दिमाग इसे गलत इंटरप्रेट कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये घूम रहा है। Awesome, isn't it? Poggendorf illusion. इस इमेज को देखो और बताओ कि ये जो ऊपर वाला ब्लैक लाइन है, ये नीचे वाले किस वाले लाइन से मिलता है, मतलब किस वाले के साथ जुड़ा हुआ है बैकग्राउंड में? आपको 7 सेकंड मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सही जवाब है ब्लू वाला। नॉर्मल। काश मैं ऐसा कह पाता, असल में ये रेड वाले के साथ मैच करता है। वाओ, देखो इसका बैकग्राउंड मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो कितना अमेजिंग है ये। आपका दिमाग असल में किसी चीज को प्रेडिक्ट करने में बहुत ज्यादा गलती करता है, स्पेशली डायगोनल थिंग्स। आपका दिमाग देखो कितनी गलती करता है, जो है वो दिखता नहीं और जो नहीं है वही आपको दिखता है। दुनिया भी कितनी अजीब है ना। अब बात करते हैं इस इमेज की, डॉग इमेज इल्यूजन। बात यह है कि ये एक डॉग का तस्वीर तो है, पर इसके अंदर एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। इस तस्वीर में कोई और भी छुपा हुआ है, एक इंसान छुपा हुआ है और वो इंसान डॉग का मालिक है। अब बताओ मालिक कहाँ छुपा हुआ है? आपके पास 10 सेकंड्स है, मालिक कहाँ है इस इमेज में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो यहाँ पर छुपा हुआ है उसका मालिक। ये देखो उसकी टोपी है यहाँ, उसका नाक है यहाँ, ये उसका दाढ़ी है, ये पूरा चेहरा है उसका। गजब, राइट? आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना, और अगर पहले से ही ये सब कर लिया है तो एक बहुत बड़ा थैंक्स।